छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में कांग्रेस के आरोपों को लेकर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भड़क गए हैं। वैसे भी महादेव ऐप मामले को लेकर पहले से ही छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। दरअसल महादेव ऐप को लेकर ईडी ने जिस गाड़ी से पैसे बरामद किए थे, कांग्रेस ने उसे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के रिश्तेदार की गाड़ी होने का दावा किया। अमर अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि वो जिस गाड़ी को उनके भतीजे के होने का आरोप लगा रहे हैं, वो उसे भतीजे ने 6 महीने पहले ही बेच दिया था। उन्होंने इसके लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना प्रमाण के मेरी छवि को खराब करने के लिए बिना सिर पैर के आरोप लगा रही है, ये उनकी छोटी मानसिकता को उजागर करता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो गाड़ी है वो 6 महीने पहले उन्होंने सेल कर दी, उसकी सेल डेट है। तो बिना जाने बिना समझे बिना कोई पता किए इस प्रकार से आरोप लगाना, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। किसी ने भी जो ड्राइवर पकड़ाया उसने तो नाम नहीं लिया कि उनकी गाड़ी थी, मैं उनके कहने से करता हूँ। नाम किसका लिया? नाम मुख्यमंत्री का लिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में ईडी ने जिस असीम दास को करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार किया था, कांग्रेस ने उस असीम दास के पास बरामद कार के दस्तावेज प्रस्तुत कर इसे अमर अग्रवाल के भाई ब्रजमोहन अग्रवाल का होना बताया था। अमर अग्रवाल ने कहा कि अपनी हार से बौखला कर कांग्रेस अब निजी हमले पर उतारू हो गई है। अमर ने कहा कि कांग्रेस न केवल मुझे बल्कि मेरे रिश्तेदारों को भी बदनाम कर रही है, ये काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। अपनी सफाई में अमर अग्रवाल ने दस्तावेज भी जारी किए जिसमें उनके भतीजे ने इस गाड़ी को 6 महीने पहले बेचा था। बिलासपुर से मनीष शरण की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।